मैम साहब आपने गाड़ी गलत जगह खड़ी कर दी है। हाँ तो क्या हुआ? मैम साहब ये एरिया नो पार्किंग का है। अबे ओ, ये मेरा होने वाला ससुराल है, मुझे मत पता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आई बात समझ में? अभी आ जाऊंगी थोड़ी देर में। देखिए मैम साहब, अगर आप ये गाड़ी सही जगह नहीं खड़ी करेंगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तू ऐसा नहीं मानेगा। ये पकड़ 200 रुपए और अपना मुंह बंद रख। देखा, तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं कि कितने में बिक सकते हो तुम लोग। मैम साहब ये पैसे रखिए आप। कितना ढेट नौकर है ना तू। मैंने तेरे मुंह पे ये 200 रुपए फेंक कर मारे और तू मुझे ही वापस कर रहे। रख ले, काम आएंगे तेरे। मैम साहब बात पैसों की नहीं है, बात इज्जत की है। और आपको बहुत ज्यादा घमंड है अपने पैसों पे, जो कि बहुत गलत बात है। ये आप पैसे रखिए अपने। इतना बदतमीज है ना तू। मैं तुझसे तमीज से बात किए जा रही हूँ और तू मुझे ही बता रहा है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखिए मैम साहब, आपको जो करना है ना कर लीजिए। साइड में हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल की पार्किंग है। अगर आप गाड़ी यहाँ खड़ी करेंगी तो एम्बुलेंस को आने और जाने में दिक्कत होगी। अबे वो अनपढ़ गवार, तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं, मुझे सब पता है कि कैसे क्या करना है। देख लास्ट टाइम समझा रही हूँ, दोबारा मेरे मुंह मत लगियो वरना ऐसा सबक सिखाऊंगी ना हमेशा याद रखेगा। देखिए मैम साहब आप बहस क्यों कर रही हैं? आप गाड़ी सजाए खड़ी कर दीजिए, दोनों का वक्त बचेगा। तुझे लोगों से बात करने का तरीका पता नहीं है क्या? तुझे यही सिखा जाता है कि कैसे बात करनी है लोगों से? ये मेरा होने वाला ससुराल है, एक बार मुझे इस घर की बहू बन जाने दे, फिर देखियो तेरी नौकरी पर कैसे लात मारूंगी। 2 कौड़े का सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ बस। तेरी ड्यूटी तो मैं तुझे अभी बता दी। फटे ऐसे बदतमीज कहीं का। मैम साहब आप ये क्या कर रही हैं? यही औकात होती है तुम लोगों की, हमारी जूती के नीचे रहते हो तुम लोग। बदतमीज कहीं का, अभी वापस आऊंगी फिर बताऊंगी तुझे। तो मम्मी जी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। तुम अचानक? मम्मी जी मुझे आपकी याद आ रही थी इसलिए मैंने सोचा आपसे मिला हूँ। और वैसे भी अपने घर में जाने के लिए परमिशन चाहिए होती है, कोई बहाना चाहिए होता है, जब मन करे चले जाओ। अच्छा किया बेटा तू आ गई, मैं भी तुझे याद ही कर रही थी। वो मम्मी जी मैं क्या कह रही थी ना, अभी शादी होने में बहुत कम टाइम भी रह गया है, शादी के कार्ड के डिजाइन भी फाइनल नहीं हुए। मैंने कुछ डिजाइन देखे तो हैं वैसे। देखो अगर आपको कोई पसंद आता है तो फाइनल कर देंगे उसको। ये रे डिजाइन। और मम्मी जी आपको पता है मेरे जितने भी सारे दोस्त हैं ना, सबने शादी की शॉपिंग भी स्टार्ट कर दी अब तो। ठीक है बेटा, शादी के कार्ड तो फाइनल होते रहेंगे। तुम ये बताओ तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, क्या तुम्हारे दोस्त जानते हैं कि तुम्हारी नेचर कैसी है, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है? मम्मी जी आप ये क्या बोल रही है, इतने सालों से दोस्त है मेरे, तो उनको तो पता होगा ना मेरे बारे में कि मैं कैसी हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, मैं लोगों से कैसे बात करती हूँ। और ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं लोगों को बहुत इज्जत देती हूँ, बहुत प्यार से बात करती हूँ, तभी तो आप मुझे इस घर की बहू बना रही हैं अपनी। हाँ बेटा, अभी तक तो मैं यही समझती थी कि तुम तो सबकी बहुत इज्जत करती हो, सबके साथ बहुत प्यार से बात करती हो। लेकिन आज जो तुमने किया ना, उसको देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्या तुम भी ऐसा कर सकती हो। आप क्या बोल रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मम्मी जी। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो सीसीटीवी फुटेज, तुमने बाहर गार्ड के साथ क्या किया, इतनी बदतमीजी की उसके साथ। ओ मम्मी जी। क्या मम्मी जी, और ये मम्मी जी बोलना छोड़ो, अभी ना तुम्हारी शादी नहीं हुई है। क्या यही संस्कार है तुम्हारे? क्या तुम गरीब लोगों के साथ इस तरह से ही बात करती हो? माना कि तुम अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, पर क्या तुम गरीब लोगों के साथ ऐसे करोगी? तुम्हें पता है जिस गार्ड के साथ तुमने इतनी बदतमीजी की है, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, उसने पूरी ईमानदारी के साथ हमेशा अपनी ड्यूटी निभाई है। किसके लिए? हम लोगों के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। ये गरीब लोग हैं, ये इतनी मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, तो हमारा भी फर्ज है ना कि हम लोग भी इनका ध्यान रखें। लेकिन तुमने क्या किया, उसकी इतनी इंसल्ट की। मुझे मेरे घर में ऐसी बहू नहीं चाहिए जो दूसरों की इज्जत करना नहीं जानती हो, जिसको बस अपने पैसे का घमंड हो। इसलिए आज मैं अपने बेटे से तुम्हारा रिश्ता तोड़ती हूँ। मम्मी जी ऐसा मत करिए, इतनी छोटी सी बात पे आप शादी क्यों कैंसिल कर रही हैं? प्लीज मम्मी जी। ये तुम्हें छोटी सी बात लगती है?
आज तुमने गार्ड की बेइज्जती की है, कल तुम किसी परिवार वाले की बेइज्जती करोगी। अपनी आंखों से देखने के बाद भी अगर मैं तुम्हारे साथ रिश्ता रखती हूं तो ये मेरी बड़ी बेवकूफी होगी। तुम जा सकती हो यहां से। नहीं मम्मी जी, प्लीज ऐसा मत करिए, मैं माफी मांगती हूँ आपसे। बस ये मेरा आखिरी फैसला है, तुम जाओ। भैया प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी।